शी वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो हॉलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख ज्यूज में से एक थी। एन फ्रैंक एक जर्मन ज्यूइश डिसेंट की लड़की थी जिसकी जिंदगी का दर्दनाक सच जानकर दुनिया भर के लोगों की रूह कांप गई। एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी जो 20th सेंचुरी की सबसे महान बुक्स में से एक मानी जाती है। ये डायरी नाजीज द्वारा ज्यूज पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। जब ये डायरी उनकी मृत्यु के कई सालों बाद 1947 में पब्लिश किया गया तो डायरी में लिखी गई नाजी प्रोसिक्यूशन की सच्चाई जानकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। लेकिन गहराई से देखा जाए तो एन फ्रैंक की छोटी सी महत्वपूर्ण जिंदगी के ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो शायद दुनिया आज भी नहीं जानती है। एन का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। एन का पूरा नाम था एनेलीज मेरी फ्रैंक। जब एन 4 साल की थी तब जर्मनी पर नाजियों का कंट्रोल हो गया। नाजीज ज्यूज पर जुल्म कर रहे थे। नाजियों से बचने के लिए एन की फैमिली 1933 में नीदरलैंड्स चली गई। लेकिन इसके बाद नाजीज ने नीदरलैंड्स पर हमला करके वहां भी अपना कंट्रोल जमा लिया। महज 5 दिनों की लड़ाई के बाद नीदरलैंड्स ने नाजीज के सामने समर्पण कर दिया। नीदरलैंड्स में बसे हुए ज्यूइश पॉपुलेशन वहां फंस चुकी थी। ये वो दौर था जब नाजीज ज्यूज को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज रहे थे। जब बचने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तब फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टरडैम में छिपने का फैसला किया। एम्स्टरडैम में एन के पिता ऑटो फ्रैंक का बिजनेस था। उनका बिजनेस जिस बिल्डिंग में था पूरी फैमिली उसी बिल्डिंग के पीछे एक सीक्रेट लोकेशन में छिप गए। नाजीज के नज़र से बचकर पूरी फैमिली एक छुपा हुआ अनुबंध में रहने लगी। उसी अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। सीक्रेट एनेक्स में कुल 8 लोग थे। फ्रैंक फैमिली के साथ एक और ज्यूइश फैमिली द वैन पेल्स और एक डेंटिस्ट फ्रिट्ज फेफर। सीक्रेट एनेक्स में जाने के 24 दिन पहले ही एन 13 साल की हुई थी। उसके 13th बर्थडे के मौके पर उसके पिता ने उसे एक डायरी गिफ्ट की थी। एन ने उस डायरी का नाम रखा किटी। इसके बाद 6 जुलाई 1942 को एन और उसकी फैमिली नाजीज के डर से ही सीक्रेट एनेक्स में छिप गई जहां उन्होंने पूरे 2 साल और 35 दिन बिताए। हाइडिंग में रहने के दौरान इन्हीं 2 सालों में एन ने अपनी डायरी को लिखा था। डायरी उसके छुपे हुए जीवन और उन 8 लोगों के अनुभव का पर्सनल विवरण है। अगस्त 1944 को नाजीज ने सीक्रेट एनेक्स में छुपी फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया। नाजीज ने उनको एम्स्टरडैम से ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया। ऑशविट्स पहुंचने पर पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता था। इन हालातों में एन के पिता ऑटो फ्रैंक जल्द ही अपनी फैमिली से अलग हो गए। लेकिन एन उसकी बड़ी बहन मार्गो और उनके मदर कई दिनों तक ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इकट्ठे रहे। वहां उनसे काफी भारी काम करवाया गया और उत्पीड़ना की जिंदगी झेलना पड़ा। कुछ दिनों के बाद एन और मार्गो को उनके मदर से भी अलग कर दिया गया और दोनों बहनों को बर्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दोनों सिस्टर्स की मौत हुई 1945 के पहले के महीनों में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मौत का कारण टाइफस बीमारी बताया गया। डेथ के वक्त एन 15 साल की थी। आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन शख्स था जिसने एन की फैमिली के साथ विश्वासघात किया था। वो शख्स जानता था कि फ्रैंक फैमिली कहाँ छिपी है। उसी ने गुस्टापो को उनकी छिपे होने की खबर दी थी। हालांकि CBS की पॉपुलर प्रोग्राम 60 मिनट्स के मुताबिक एक कल्प्रिट हाल ही में आइडेंटिफाई हुआ है जिसने ये गद्दारी की थी। CBS 60 मिनट्स आइडेंटिफाइड अ सरप्राइजिंग कल्प्रिट आर्नल्ड वैंडनबर्ग अ प्रोमिनेंट ज्यूइश नोटरी डेस्परेट टू सेव हिज ओन फैमिली। वो नाजी ऑफिसर जिसने फ्रैंक फैमिली को सीक्रेट एनेक्स से अरेस्ट किया था उसका नाम था
कार्ल सिल्वरबॉर्ग। एन की डायरी पब्लिश होने के बाद कार्ल ने यह एडमिट किया था कि उसने भी एन की बुक खरीदी थी, इस आशा के साथ कि उसका नाम भी एन की डायरी में कहीं थोड़ा बहुत मेंशन किया हो। लेकिन कार्ल को मायूस होना पड़ा। जब कार्ल ने सीक्रेट एनेक्स पर रेड की, तब उसने नाजी रूल्स के मुताबिक फ्रैंक फैमिली का सारा कीमती सामान और पैसे को जब्त कर लिया, मगर कुछ पेपर्स और नोटबुक्स को गैर जरूरी समझते हुए जमीन पर फेंक दिया। लेकिन आयरनी की बात यह है कि उन्हीं रद्दी समझे हुए पेपर्स में सबसे कीमती चीज थी, एन फ्रैंक की डायरी। इवेंचुअली जब एन की डायरी पब्लिश हुई, तो एक रिपोर्टर ने कार्ल से पूछा कि क्या आपने एन की बुक पढ़ी है? तो कार्ल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने हफ्ता भर पहले ही उसे खरीदा था। फिर रिपोर्टर ने कहा कि आप उसे पढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन सकते थे। इस पर कार्ल ने हंसते हुए जवाब दिया कि काश मैं वो डायरी फ्लोर से उठा लिया होता। जब शुरुआत में एन की डायरी पब्लिश हुई, तो हजारों लोग नीदरलैंड्स में उन सीक्रेट रूम्स को देखने जाने लगे जहां एन और उसकी फैमिली ने छिपकर अपने दिन बिताए थे। 1960 में उस पूरी बिल्डिंग को एक म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। अब उसे एन फ्रैंक हाउस कहा जाता है। आज हर साल उस म्यूजियम में लाखों विजिटर्स आते हैं। एन की बड़ी बहन मार्गो फ्रैंक ने भी एक डायरी लिखी थी, लेकिन वॉर के बाद वो डायरी ढूंढा नहीं जा सका। एनेक्स में छिपे हुए 8 लोगों में से सिर्फ एन के फादर ऑटो फ्रैंक ही एक अकेले व्यक्ति थे जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से जिंदा वापस लौटे। जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हो गया, ऑटो फ्रैंक एम्स्टरडैम लौट गए। वापस आने पे उन्हें अपनी वाइफ और दोनों बेटियों के मौत का इन्फॉर्मेशन मिला। मीप गीस, जो फ्रैंक फैमिली की काफ़ी करीबी दोस्त थी, जब एन फ्रैंक और उसकी फैमिली सीक्रेट एनेक्स पे छिप कर रह रही थी, तब मीप अपनी जान को जोखिम में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए खाना और ज़रूरत का सामान लेकर आती थी। नाजियों के फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट करने के बाद मीप सीक्रेट एनेक्स गई और उसने वहां पड़ा हुआ सारा सामान रिकवर कर लिया। जमीन में पड़े हुए दस्तावेजों में एन की डायरी भी थी। जब ऑटो फ्रैंक एम्स्टरडैम वापस लौटे, तब मीप ने एन की डायरी उनको सौंप दिया। एन के राइटर बनने के सपने को पूरा करते हुए ऑटो फ्रैंक ने अपनी बेटी की डायरी को पुस्तक के रूप में पब्लिश करवाने का फैसला किया। इस बात में उनके दोस्तों ने भी उनको सपोर्ट किया। जब तक एन की डायरी मीप के पास रही, तब तक मीप ने उस डायरी का एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। डायरी जब पुस्तक के रूप में पब्लिश हुई, तभी मीप ने उसे पढ़ा। बाद में मीप ने बताया कि अगर मैंने उस डायरी को ऑटो को देने से पहले पढ़ ली होती, तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि एन ने अपने डायरी में मेरा और मेरे हस्बैंड का और उन सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छिपे हुए ज्यूज लोगों को हेल्प किया था। मीप ने बताया कि इसकी वजह से हमें नाजीज द्वारा मृत्यु दंड दिया जा सकता था। एन के पिता ऑटो फ्रैंक ने एक बार पुरानी बातों को याद करते हुए ये बताया कि जब मीप ने मुझे वो डायरी दी थी, तो शुरुआत में मुझे उस डायरी को पढ़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ ही पेजेस पढ़ पाता था, क्योंकि दुख भरी यादें मुझ पर हावी हो रही थी। एन के बातों को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि ये वही एन नहीं है जिसे मैं अपनी बेटी के रूप में जानता था। मेरे लिए ये एक रेवलेशन था। मुझे उस बच्ची के गहरे बातों और जज्बातों का कोई अंदाज़ा नहीं था। ऑटो ने आगे कहा कि एन की डायरी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत कम ही जानते हैं। वैसे तो एन की सैकड़ों फोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन बात करें अगर एन की रियल फिल्म फुटेज की, तो सिर्फ एक छोटा सा फुटेज मौजूद है जिसमें महज 4 सेकंड के लिए एन नज़र आती है। ये छोटा सा फुटेज 1941 में रिकॉर्ड की गई एक साइलेंट फिल्म का हिस्सा है जिसको एन के नेबर्स की शादी के लिए फिल्माया गया था। फुटेज में नज़र आता है कि एन सेकंड फ्लोर की बालकनी से नई शादीशुदा कपल को देखने की कोशिश कर रही है।
वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद उस शादीशुदा कपल ने ये फुटेज एन फ्रैंक म्यूजियम को सौंप दिया। नेल्सन मंडेला ने एक बार बताया था कि जब वो जेल में थे तो उन्होंने एन की डायरी पढ़ी थी और उससे उन्हें बड़ी हिम्मत और आशा मिली थी। 1994 में मंडेला को एन फ्रैंक फाउंडेशन की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। ये माना जाता है कि एन की ये डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। ये दुनिया की सबसे फेमस डायरी है। इसे 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। एक चीज़ जो हमें एन की डायरी से जानने को मिलती है कि एन की अपनी मदर एडिथ फ्रैंक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे और एन अपने फादर से ज़्यादा क्लोज थी, जबकि मार्गो अपने माँ के ज़्यादा करीब थी। माँ और बेटी के बीच एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होने के बावजूद भी एन के मदर के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बेहद डिवोटेड मदर थी। आई विटनेसेस बताते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप के दिनों में उनकी मदर ने अपनी रोटी का आखिरी निवाला तक अपनी बेटियों के लिए बचाए रखा। एन की मदर की मृत्यु बर्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कमजोरी और बीमारी के वजह से 6 जनवरी 1945 को हुआ था, उनके 45th बर्थडे के 10 दिन पहले। कॉन्सेंट्रेशन कैंप के दिनों में एन को अचानक उसके दो दोस्त मिल जाते हैं, ननेट ब्लिट्स और हैना गॉसलर। दोनों ही एन के स्कूल की दोस्त थी। उनका जिक्र एन की डायरी में भी है। ननेट और हैना दोनों ही हॉलोकॉस्ट को सरवाइव किया था। ननेट ब्लिट्स आज 94 ईयर्स की है और हैना की डेथ 2022 में 93 ईयर्स के उम्र में हुई थी। एन फ्रैंक की मौत का एग्जैक्ट दिन और टाइम पता नहीं चल पाया है। हालांकि हिस्टोरियन से अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद फरवरी या मार्च में एन की मृत्यु हुई होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में काफ़ी सर्दी भी पड़ी थी। डच अथॉरिटीज़ का ये मानना है कि शायद मार्च के आखिरी दिनों में एन और मार्गो दोनों मर गई थी। मार्गो की मृत्यु एन से कुछ दिन पहले हो गई थी। दोनों की मृत्यु टाइफस की बीमारी की वजह से हुई थी। उस वक्त मार्गो 19 साल की थी और एन 15 साल की। इवेंचुअली 15 अप्रैल 1945 को रेड आर्मी ने बर्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप को लिबरेट करा दिया था। दुख भरी बात यह है कि वो कैंप लिबरेट कराए जाने के महज कुछ ही हफ्ते पहले एन की मृत्यु हुई थी। एन एक जर्नलिस्ट और फेमस राइटर बनना चाहती थी। उस उम्र के आम यंगस्टर्स की तरह वो अपनी ज़िंदगी में कुछ महान करना चाहती थी। 5 अप्रैल 1945 को अपनी डायरी में उसने ये लिखा था, मैं उन औरतों जैसे जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती है और भुला दी जाती है। मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकती जैसे कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिसे दूसरे लोगों का फायदा हो, उनको भी जिनसे मैं कभी नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। आज अगर एन देख पाए कि इतनी छोटी सी जिंदगी में ही उसने कितने लोगों को इंस्पायर किया है तो शायद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। हम सब एन को ये कहना चाहते हैं कि एन, तुमने कर दिखाया, तुम हमेशा जिंदा रहोगी जैसा कि तुम चाहती थी। एन फ्रैंक की डायरी आज ह्यूमन रेस के लिए घृणा और उत्पीड़न से होने वाले कॉस्ट का एक पॉइग्नेंट और महत्वपूर्ण रिमाइंडर बनी हुई है। क्या आपने एन फ्रैंक की डायरी पढ़ी है? क्या एन फ्रैंक की जीवन से आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।